दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 24 सितंबर को खेले गए आईपीएल के सबसे घमासान मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के धुरंधर खिलाड़ियों ने आरसीबी की टीम को इतनी बुरी तरीके से रौंद डाला, जिसके बाद अब इस आईपीएल में आरसीबी की टीम के लिए बने रहना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन बेहतरीन कप्तान है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, बता दें, इस मुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि आरसीबी के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली और देवदत्त पाडिकल ने इस मुकाबले में बड़ी ही जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाए। इन दोनों ने शुरुआत से ही आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करते हुए ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि आज ये दोनों साथ मिलकर चेन्नई के सामने एक विशालकाय स्कोर रखने के लिए मैदान पर उतरे हैं। बता दें, इस मुकाबले में तो आरसीबी के धुरंधर बल्लेबाज जैसे कि एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल भी कुछ खासा प्रभाव न छोड़ सके, और इसीलिए आरसीबी की टीम ने चेन्नई के सामने सिर्फ 157 रनों का आसान सा लक्ष्य दिया, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के ताबड़तोड़ बल्लेबाजों के लिए शारजा जैसे छोटे मैदान पर हासिल करना कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि सीएसके के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और फाफडू प्लेसिस ने शुरुआत से ही आरसीबी के गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, ये मुकाबला पूरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी चेन्नई ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपना शिकंजा कसा हुआ था, क्योंकि उन्हें अभी भी 24 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी और पर आ चुके थे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने सुरेश रैना के साथ मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया और इस मुकाबले में अपनी टीम को 6 विकेट से जीत हासिल कराई। और दोस्तों, अब इस हार के बाद डिविलियर्स भी पूरी तरह से बौखला गए हैं, उन्होंने अपनी ही टीम को लताड़ा है, साथ ही धोनी की कप्तानी की जमकर तारीफ की। डिविलियर्स ने अपने बयान में कहा है, आज हमारी टीम को बहुत ही खतरनाक शुरुआत मिली थी, लेकिन मैक्सवेल और बाकी खिलाड़ी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे, जिसके वजह से हम 170 से 180 का टारगेट चेन्नई की टीम को नहीं दे पाए। साथ ही तारीफ करनी होगी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की, जिन्होंने अपने शानदार फैसलों से और अपने गेंदबाजों की मदद से इस मैच को पलट कर रख दिया। और जब चेन्नई की टीम के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो कुछ काफी स्लो हो गई थी, हमें लग रहा था कि हम ये मैच जीत सकते हैं, परंतु फिर अंत में रैना और धोनी ने अपनी सूझबूझ बल्लेबाजी से चेन्नई को आसानी से जिता दिया। तारीफ करनी होगी महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने संन्यास के बावजूद इतनी बेहतरीन कप्तानी करके दिखाई है। मुझे तो लगता है वो भारत के लिए अभी कप्तानी कर सकते हैं और साथ ही भारतीय टीम को एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। दोस्तों, डिविलियर्स ने अपने बयान में धोनी की तारीफ तो की, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं विराट कोहली पर भी निशाना साधा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर विराट कोहली थोड़ी देर टिक कर बल्लेबाजी करते तो शायद आज आरसीबी की टीम ये मैच जीत जाती। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को अभी और कितने साल क्रिकेट खेलना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस तरह की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।